मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर हैं और लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर शराब बुरी चीज है का प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। बात की जाए तो नीतीश कुमार ने मंच से ही इसी अभियान के तहत कहा था कि गांधी जी कहते थे कि अगर मैं एक दिन के लिए हिटलर बन जाऊं तो पूरे देश में शराबबंदी कर दूं। लेकिन जो बयान अब बीजेपी की तरफ से निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी बनने वाला है। बिहार में शराबबंदी कानून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही नाक का सवाल बना लिया हो, लेकिन नीतीश की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को शराबी वोटर पसंद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शराबी वोटरों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की है। ये बात अलग है कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर राजू ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो 50 से रुपए में अच्छी क्वालिटी वाली शराब की क्वार्टर बोतल लोगों को मुहैया कराएगी। आंध्र प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर राजू ने कहा है कि आज शराब की क्वार्टर बोतल 200 रुपए में मिल रही है और वो भी क्वालिटी वाली शराब की बजाय नकली ब्रांड की शराब लोगों को मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो आंध्र प्रदेश के लोगों को केवल 50 रुपए में ही अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति 12,000 रुपये आज शराब पर खर्च कर रहा है। राज्य में 1 करोड़ लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन अगर यह 1 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो हम सत्ता में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 75 रुपये में क्वालिटी वाली शराब की बोतल उपलब्ध कराने का उन्होंने भरोसा दिया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर राजस्व की आमदनी अच्छी रही तो यह बोतल 50 रुपये में लोगों को मिल जाएगी। बिहार में बीजेपी नीतीश के साथ गठबंधन वाली सरकार में शामिल है। नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के साथ बीजेपी भी बिहार में खड़ी है, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में शराब को लेकर जो ऑफर दिया है उस पर जेडीयू किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है ये देखना दिलचस्प होगा। मामला भले ही बिहार का नहीं हो, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश में ही बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से शराब का खुला ऑफर दिया जा रहा है तो क्या आज नीतीश इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या नीतीश इस मसले पर अपनी राय जताएंगे या फिर वह बिहार में ही शराबबंदी कानून को सफल बनाने की मुहिम में जुटे रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार में जो अभियान है उसमें जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बयान नीतीश कुमार का निकल कर आता है उससे प्रतीत होता है कि वो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं और अगर मौका उन्हें मिलेगा तो वो देश में भी इस शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए पहल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आंध्र प्रदेश से ये बयान निकल कर सामने आया है उसके बाद हर किसी की निगाहें टिकेगी कि आखिर इस पूरे मसले पर जेडीयू और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे अपना रुख रखते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारों को कोटि मंदिर दौड़ा कोटि वोट रूपये चीपा इनका कूड़ा रेवेन्यू बागुंटे ₹50 के तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।